लक्ष्मी की अजीब माया है। सत्ता मिले नहीं कि उस पर लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है। सत्ताधारी पार्टियों पर राजनीतिक चंदे के तौर पर सिक्के बरसने लगते हैं और सत्ता गवाते ही लक्ष्मी रूठ भी जाती है। लक्ष्मी के रूठने और मानने के इस खेल को कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर भला कौन समझ सकता है। सत्ता मिलने से पहले तक जो बीजेपी चंदे को तरस रही थी वो आज मालामाल है। देश विदेश हर तरफ से बीजेपी की झोली में सिक्के बरस रहे हैं। बीजेपी का खजाना लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्ता मिलते ही बीजेपी धन कुबेर बन गई है, वही सत्ता गवाते ही कांग्रेस कंगाल हो गई है। कांग्रेस का खजाना खाली होता जा रहा है और चंदा देने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब तक जो लोग कांग्रेस के लिए अपना खजाना खोले रहते थे वो सत्ता गवाते ही कांग्रेस से दूर हो गए हैं। अब लगता है उन्हें बीजेपी रास आने लगी है। तभी तो बीजेपी लगातार अमीर होती जा रही है और कांग्रेस कंगाल। 2015-16 के मुकाबले बीजेपी की कमाई में 81% का इजाफा हुआ है। हाल ये है कि देश के 6 राष्ट्रीय पार्टियों की कुल कमाई मिलाकर भी बीजेपी की आधी है। राष्ट्रीय दलों को कुल 1559 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। इसमें करीब 2/3 हिस्सा बीजेपी को ही मिला है। राजनीतिक चंदा हासिल करने के मामले में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़त हासिल की है। वित्त वर्ष 2016-17 में 81% की ग्रोथ के साथ बीजेपी ने सबसे ज्यादा 1034 करोड़ रुपए की कमाई की है। यही नहीं, 7 राष्ट्रीय दलों में से उसकी अकेले की कमाई अन्य 6 पार्टियों को मिलाकर भी दोगुनी है। बीजेपी कांग्रेस बीएसपी तृणमूल सीपीएम सीपीआई और एनसीपी जैसे राष्ट्रीय दलों को कुल 1559 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। इसमें करीब 2/3 हिस्सा बीजेपी को ही मिला है। आमतौर पर केंद्र की सत्ता पर काबिज दल को सबसे अधिक चंदा मिलता है, लेकिन बीजेपी ने यूपीए की दौर की कांग्रेस को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी पर लक्ष्मी पूरी तरह से मेहरबान है। आज हर तरफ से बीजेपी पर पैसों की बरसात हो रही है। जनता के अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। चंदा देने वाले लोग बीजेपी पर दिल खोल कर पैसा बरसा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी को 1034 करोड़ रुपए में से 997 करोड़ स्वैच्छिक दान के रूप में मिले, जो उसकी कुल आय का करीब 96% है। इसमें भी 533 करोड़ रुपए उसे उन लोगों से मिले जिन्होंने 20,000 रुपए से अधिक का चंदा दिया। यानी देश के अमीरों ने बीजेपी के लिए अपना खजाना खोला है। कांग्रेस का हाल आमदनी 98 और खर्चा रुपया है। सत्ता गंवाने के बाद से कांग्रेस को कमाई से ज्यादा खर्च करना पड़ा, वहीं बीजेपी की कमाई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने चंदे की राशि में से 324 करोड़ रुपए बचा भी लिए। उसने 2016-17 में 1034 करोड़ रुपए की कमाई में से 710 करोड़ रुपए ही खर्च किए। कांग्रेस की कमाई में 2015-16 की तुलना में 14% की कमी आई है और उसे 225.36 करोड़ रुपए की आय हुई है। केंद्र के बाद राज्यों से भी लगातार बेदखल हो रही कांग्रेस को 2015-16 में 261 करोड़ रुपए मिले थे, जो 2017 में घटकर 225 करोड़ ही रह गए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक कांग्रेस को 115.6 करोड़ रुपए की कमाई कूपन के जरिए हुई। मार्च 2018 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी इनकम से 96 करोड़ रुपए अधिक खर्च कर दिए। ये बेहद दिलचस्प तथ्य है कि कांग्रेस ने जहां 225 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया, वहीं उससे करीब 100 करोड़ रुपए अधिक 324 करोड़ रुपए बीजेपी ने बचा लिए। कांग्रेस के बाद दूसरे राष्ट्रीय पार्टियों को कंगाली झेलनी पड़ रही है। कभी इन पार्टियों पर भी धन बरसते थे, लेकिन राज्यों में सत्ता गवाते ही इनकी कमाई भी घट गई। बीएसपी को 173.6 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। हाल ये है कि उसे कोई भी चंदा 20,000 रुपए से अधिक का नहीं मिला है। यानी लगता है कि अमीर दानकर्ताओं ने बीएसपी से मुंह मोड़ लिया है। लगता है बीएसपी को भी इस बात का एहसास हो गया है, तभी तो वो चंदे में मिले 173 करोड़ रुपए का सिर्फ 30% रकम ही अपने कामकाज पर खर्च की और 70% राशि भविष्य के लिए बचा कर रख ली। वहीं लेफ्ट पार्टियों में सीपीएम को इस साल 100.25 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जो बीते साल की तुलना में 7 करोड़ रुपए कम है, लेकिन वो इस आंकड़े के साथ भी चौथे स्थान पर रही है।
पार्टियों की कमाई का आंकड़ा बता रहा है कि लक्ष्मी भी उसी पर मेहरबान होती है जिसके पास सत्ता होती है, लेकिन बीजेपी की बढ़ती कमाई अपने साथ कई सवालों को भी लेकर आई है। देश की कमाई भले ही नहीं बढ़ रही हो, लेकिन सत्ताधारी दल की कमाई बढ़ती जा रही है। क्या सत्ता के करीबी बनने के लिए लोग सत्ताधारी दलों को चंदा देते हैं? क्या निजी स्वार्थ साधने के लिए लोग सत्ताधारी दलों के लिए अपना खजाना खोल देते हैं? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।